बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं सभी काजमी। नाज़रीन, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तहकीक को, इस मेहनत को सब्सक्राइब करके, उस वीडियो को शेयर करके ज़रूर अपना जो है इनपुट दें। सबसे अहम पेशरफ्त जो है वो ये कि हिंदुस्तान ने ईरान से तेल न ख़रीदने का दावा कर दिया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या हिंदुस्तान सऊदी अरब के ब्लॉक में शामिल हुआ और पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होंगे या नहीं, और क्या इस ब्लॉक से निकलकर हिंदुस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पर क्या पाकिस्तान और चीन और रूस के ब्लॉक के मुखालिफ हो चुका है। कुछ अहम पेशरफ्त हिंदुस्तान ने किए हैं कि किसी किस्म का ईरानी तेल ख़रीदने का हर मंसूबा तर्क कर दिया। उसकी एक तो वजह जो ईरान पर आपको पता है पाबंदियाँ लगी हैं, और दूसरा सऊदी हुकूमत की तरफ से प्रेशर। आपको पता है सऊदी अरब और उनके इंडिया के ताल्लुकात मज़ीद आपस में बढ़ते जा रहे हैं, गर्मजोशी पाई जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सऊदीया के साथ अब वो वाले ताल्लुकात रहे नहीं, दिन ब दिन दरारें पड़ रही हैं। और जो इतलात आई हैं उसके मुताबिक हिंदुस्तान को भी ये कहा जा रहा है कि आप ईरान से किसी किस्म की तजारत ना करें। उसकी मैं वजह बताता हूँ कि उन्होंने बड़ी मुखालफत की। आपको याद होगा कि ईरान और उनके दरमियान आपस में ताल्लुकात की एक बड़ी डील हुई थी, और यही डील फिर चाइना ने जो है वो ईरान के लोगों को एक पैगाम भिजवाया इस डील से चाइना ईरान की, कि तेल की कीमतें गिरी हुई हैं, कोरोना पूरे मिडल ईस्ट में इस वक्त छाया हुआ है, और इवन जो यूक्रेन का आपको पता है जो जहाज़ डूबा हुआ था उस वक्त उसका मलबा भी उनके ऊपर पड़ा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद चीन ने कहा कि हम सिनो ईरानियन एग्रीमेंट जो चीन ईरान के साथ कर रहे हैं 25 साल की डील, इस एग्रीमेंट से हम आपकी बैंकिंग, कम्युनिकेशन, रेल, शिपिंग ये सारी उठा देंगे, और ये ईरान के साथ चाइना का मंसूबा था। जवाब में उन्होंने कहा आप हमें तेल सस्ता सप्लाई करें। ईरान चीन की अब ये जो 25 साल तक डिस्काउंटेड तेल उन्हें मिलेगा उसके जवाब में चीन ये डील जो सिनो ईरानियन एग्रीमेंट है, इन दोनों ममालिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा। खुद शी जिनपिंग ईरान के सुप्रीम लीडर से मिले और वहाँ पर ये बातें सारी तय हुई, और ये बहुत बड़ी डील थी। फौजी तावन इसमें सबसे बड़ा उनका इंपॉर्टेंट फैक्टर था। उन्होंने कहा था अपनी नेवी की एक बड़ी बेस भी हमें यहाँ बनाने दें, और दिसंबर में जो बहरे ओमान में आपको पता है जो जंगी मशकें हुई थी उस वक्त भी चीनी आर्मी चीफ ने कहा था कि ईरान को हम कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान और चाइना के ताल्लुकात देखें किस लेवल पर, क्यों कहा कि तीसरी वर्ल्ड वॉर ही हमें क्यों ना लड़नी पड़े, और फिर वो जंगी मशकें जो कराई उस वक्त रूस ने थी। फिर उसके बाद आपको याद है लद्दाख का मामला हुआ, पाकिस्तान ने चीन के कहने पर ईरान से ताल्लुकात दोबारा कायम किए जो कि एक दौर में बड़े ख़राब लेवल तक पहुँच चुके थे, लेकिन चीन ने कोशिश की, पाकिस्तान और ईरान करीब आए। पाकिस्तान ने दरख्वास्त की थी उस वक्त कि हिंदुस्तान को आप इस चार बहा बंदरगाह से निकालें, रेल प्रोजेक्ट और उन तमाम मंसूबों से निकाला जाए। फिर पाकिस्तान की इस खसूसी फरमाइश पर और पाकिस्तान के ईरान ताल्लुकात में इजाफा हुआ, और उसके साथ साथ फिर हिंदुस्तान के चार बहा के रेल मंसूबे और उनके साथ वो सारे निकाल देंगे। लेकिन अब उसका हिंदुस्तान ने बदला लिया, वो कैसे कि सऊदी अरब से फ़ौरन ताल्लुकात बढ़ाए। आपको याद होगा जो ज़्यादा हुआ हमें पैसे वापस करने पड़े। ईरान मंसूबा जो है वो हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। अमेरिका ने सऊदी अरब पर प्रेशर बढ़ाकर उन्हें ये कहा कि आप हिंदुस्तान को अपने कैंप में शामिल करें, और जिसके बाद आपको पता है फिर पाकिस्तान के ऊपर वो सारा जो मलबा गिरा, वो पिछले दिनों जो जो पेशरफ्त होती नहीं वो आप जानते हैं सारी। पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात होते हुए इंडिया उनके साथ नहीं चल सकता था, ये बात वो जानते थे। और अमेरिका, चीन और रूस इस वर्ल्ड ऑर्डर के लिए आपको पता लड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान ये उस वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा बनने के लिए अपनी अपनी बका, अपनी सलामती और अपने ज़ाती मुफाद के लिए वो फैसले करेंगे, क्योंकि ये पार्टनरशिप बड़ी अहम है। अब अमेरिका ने जॉइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान, आपको पता है एक्शन जो है जो ईरान की वो न्यूक्लियर के लिए प्रोग्राम के लिए, उस पर भी पेशरफ तभी होगी, और ईरान सबसे पहले यही बात करेगा आप ये पाबंदियाँ उठाएं हमसे। मैं आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद कराना चाहता हूँ, वो ये कि ईरान के देखें उन तीन ममालिक में से है जहाँ पर हिंदुस्तान बरामदात करता है, और चीन के बाद हिंदुस्तान ईरान का दूसरा बड़ा गाहक है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अमेरिका में नई हुकूमत आई है, बाइडन ने कहा कि, और उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी आप जानते हैं जो कमला हैरिस हिंदुस्तानी नजाद है, तो उसमें अमेरिका और हिंदुस्तान के तो नए ताल्लुकात में इजाफा हो सकता है, लेकिन इसमें ईरान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो गए। उसकी वजह ये कुछ छोटी खबर नहीं है, वो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आप ये देखें सितंबर में ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान 412 अरब डॉलर का सौदा होने जा रहा था जो अब नहीं होगा।
इसी तरह दिसंबर में हिंदुस्तान, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान चारबाहा बंदरगाह पर काम शुरू होने लगा था, जब वो भी ख़त्म हो गया। अब ये देखें कि उनसे जो ईरान हिंदुस्तान से बासमती चावल ख़रीदता था, उनके सबसे ज़्यादा चावल वहाँ जाते थे, अब वो चावल पाकिस्तान से जाएंगे। तो अब आप ये सारी चीज़ें अगर उस फ्रेम ज़ेहन में रखें, तो चीन ने एक डील ईरान में की थी $27 अरब की, और उसके साथ साथ सऊदी अरब में 3 गुना वो बड़ी डील उन्होंने वहाँ कर दी। अब ईरान के साथ ताल्लुकात की वजह से वो सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, वो वाली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। चीन की जो 25 साल ईरान के साथ जो डील है, वो सिर्फ जनूबी एशिया और मिडल ईस्ट जो तेल और गैस के ज़खायर रखने वाले मालिक हैं, उनको एक पैगाम नहीं है, बल्कि अमाराती, इराकी, मिस्र, इसराइल, सऊदी अरब और अमरीका सबको ये एक बड़ा पैगाम उन्होंने दिया है कि जी अब इस पूरे इलाके में नया थानेदार आ गया, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब अमेरिका को इस इलाके में जहाँ पर नज़र रखने के लिए बेस चाहिए थी, वो चीन को ईरान ने अपने वहाँ नेवी का बेस कायम करके दे दी। अब पाकिस्तान को इस ब्लॉक का बहुत फ़ायदा होगा। उसकी वजह क्या है कि एक तो हिंदुस्तान को सस्ता तेल मिलना बंद होगा, पाकिस्तान के लिए तेल की ऑप्शन खुल जाएगी, दो महंगे दामों अब उन्हें खरीदना पड़ेगा, हमें सस्ता मिलेगा, हमारे चावल वहाँ बिकना शुरू हो जाएंगे, हमारी तजारत इनसे ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सलामती के हवाले से जो मज़ीद हमें मसाइल पेश आते हैं, जो हमें बहुत से सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि ईरान वाली साइड से जो हमें बॉर्डर सिक्योर करना पड़ रहा था, जो बलूचिस्तान में हमारे मसाइल बन रहे थे, अब उन मसाइल में यकीनन कमी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? कि जब ईरान और हिंदुस्तान के आपस के ताल्लुकात ज़्यादा थे, तो वहीं से आपको याद होगा कुलभूषण केस भी, वहीं से ये लोग जो थे अंदर दाखिल होते थे, और उसके बाद हमारी कौमी सलामती को ख़तरा पड़ता था। अब अगर ईरान के और इनके हिंदुस्तान के आपस के ताल्लुकात ख़त्म होंगे, जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहे ख़त्म होंगे, उसके बाद पाकिस्तान के लिए उस बॉर्डर से ख़तरा ख़त्म हो जाएगा हमारी कौमी सलामती के लिए, और वहाँ पर जो चीनी प्रोजेक्ट चल रहे हैं सारे, उनको वो मसला जो हमें हमेशा से दरपेश है उनकी प्रोटेक्शन के लिए और सारे उन मसाइल उन सारे मनसूबों को चलाने के लिए, उस पर हमारा ख़र्चा बचेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे ताल्लुकात मज़ीद चाइना के साथ, इसके साथ रूस के साथ और ईरान के साथ, ये जो ब्लॉक है उसमें फर्दर हमारे ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। अब ये आने वाली वो अपडेट्स हैं कि जिनकी वजह से अब खित्ते में जो तब्दीलियां आएंगी, उन पर मैं आपको मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट करूंगा कि उसमें अब रूस के साथ ताल्लुकात में अब क्या पेशरफ्त होने जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये प्रोग्राम देखते रहें, काइंडली हमारी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इन प्रोग्रामों पर बड़ी तहकीक और बड़ी मेहनत होती है, तो आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट होगी।